नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं यू के एस एस सी या यूके पी एस सी क्रैकर में तो उत्तराखंड लोक पी सी एस की नई भर्ती का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा जिसमें कि जो अध्याचन है वो तैयार हो चुका है और बहुत जल्द आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को पहुंचेगा तो ये अभी की एक्सक्लूसिव जो है अपडेट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आज आपकी इक्कीस अगस्त दो हजार चौबीस है जिसमें कि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के अध्याचन जो है आयोग के पास पहुंच चुके हैं मतलब कितने पद हैं कौन कौन से विभागों में हैं सारी चीज़ों पर बात करेंगे अभी की एक्सक्लूसिव ये वीडियो रहेगी सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो इसमें जो है पूरा आप लोग देखेंगे कौन कौन से पद रहने वाले हैं किस तरीके से क्या क्या चीज़ें रहेंगी तो सभी चीज़ों पर बात करेंगे तो इसमें अगर आप देखें तो कृपया यहाँ पर जो लेटर लिखा गया है जो कि अध्य यू को लिखा गया है जिसमें कि लिखा है कृपया प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग उत्तराखंड को जो है पत्र लिखा गया था जो कि दो तारीख को जिसमें कि कौन कौन से वर्गों में ये आपका रहा था यहाँ पर आप देख सकते हैं छह तारीख को जो है आपके अध्याचन मांगे गए थे मतलब अलग अलग विभागों से अलग अलग तारीखों को जो है अध्याचन मांगे गए थे जिसमें कि टोटल जो अध्याचन है जो आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पास पहुंचे उनके बारे में हम बात करेंगे तो ये सभी पोस्टें ग्रुप बी की हैं और काफ़ी अच्छी पोस्ट रहती सबसे बड़ी पोस्टें जो है इसमें आपको मिलेंगी यहाँ पर अगर आप देखें राजस्व विभाग में नायाब तहसीलदार की पोस्टें जो हैं आपको मिलेंगी टोटल अनारक्षित पोस्टें कितनी हैं अट्ठारह पोस्टें हैं और कुल पदों की संख्या कितनी है छत्तीस पोस्टें हैं तो यहाँ पे जो है आरक्षण वगैरह भी जो इसमें मिलेगा आपको तो टोटल छत्तीस पोस्टें आपकी नायाब तहसीलदार की इसके साथ ही अट्ठारह अनरिजर्व कैटेगरी की है अनुसूचित जाति की आठ है आपका अन्य पिछड़ा वर्ग की पाँच पोस्टें हैं ईडब्ल्यूएस की तीन हैं अनुसूचित जनजाति की दो पोस्ट आपको मिलेंगी इसके साथ ही गृह विभाग में उप कार्यपाल में जो है आपकी कितनी पोस्टें हैं चौदह पोस्ट हैं दस पोस्ट आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में रहेगी इसके साथ ही निरीक्षक की पोस्ट हैं छत्तीस पोस्ट आपको निरीक्षक की मिलेंगी छः पोस्ट आपकी निरीक्षक यहाँ पे जो है रहेगा ठीक है तो ये जो है आपका खाद्य विभाग के अंतर्गत सारी पोस्टें आएंगी और आपकारी निरीक्षक की कितनी पोस्ट हैं पांच पोस्ट आपको आपकारी निरीक्षक की मिलेंगी जिसमें कि पांचों की पांचों पोस्टें अनरिजर्व कैटेगरी में ओपन कैटेगरी में आएंगी युवा कल्याण दल की जो है पोस्ट रहेंगी जो कि टोटल चार पोस्ट आपको देखेंगी इसके साथ ही गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में जो है आपका कितनी पोस्ट है दो पोस्ट हैं गन्ना विकास निरीक्षक की छह पोस्ट हैं जो कि जनरल है और आपकी निरीक्षक की है ये भी आपकी तीन पोस्ट हैं जिसमें कि दो पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी में है और एक ओबीसी कैटेगरी में आएंगी तो ये अभी का लेटेस्ट अपडेट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें श्रम विभाग के अंतर्गत कितनी पोस्ट हैं पांच पोस्ट हैं और कर अधिकारी के अंदर जो है आपको कोई भी पोस्ट अभी नहीं आई है मेरे ख्याल से इसमें अपडेट आपको मिल जाएगा तो एक सौ सत्रह जो है पोस्टों का अध्याचन आयोग के पास पहुंच चुका है जिसमें कि अगर हम बात करें जो आपका स्वतंत्रता सेनानी है इनके लिए किस तरीके से यहाँ पर आपको दिखेगा आरक्षण का अपडेट तो वो आप लोग देख सकते हैं जिसमें कि तीन पोस्टें जो है आपकी किसके लिए रहेंगी रिजर्व जो आपके दस प्रतिशत आरक्षण है वो आपको देखने को मिलेगा और आपका चौदह पोस्टों में से तीन पोस्ट एक पोस्ट के लिए किस में है जो आपके दस प्रतिशत स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए रिजर्व आपका रहेगा इसके साथ ही ती, तीन पोस्ट आपको पूर्व निरीक्षक में मिलेंगी और इनमें जो है आपको नहीं मिलेगा कोई भी आरक्षण वगैरह तो ये जो है उपयुक्त पदों पर जो है आपका चयन के संबंध में अधिकतम आयु सीमा के निर्धारित जो है कार्मिक विभाग के पास पहुंच चुके हैं और ये जो है अभी का लेटेस्ट अपडेट रहेगा इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कार्मिक विभाग और सतर्कता विभाग के पास जो है अध्याचन इसके प्राप्त हो चुके हैं तो इसका नोटिफिकेशन काफी जल्दी आपको देखने को मिलेगा और ये जो वैकेंसी रहेगी ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली जाएगी ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमिंग भी देख सकते हैं आज ही का ये अपडेट आपको मिलेगा तो काफ़ी जल्दी ये सारी प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगी जो आपका अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 है इसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा इसमें आरक्षण भी लग चुका है काफ़ी लोग कह रहे थे कि आरक्षण लग गया है तो काफ़ी लेट और डीले हो जाएगा तो आपने देख लिया आरक्षण मिल चुका है मतलब जो आपका दस प्रतिशत आंदोलनकारियों का था वो भी इसमें ऑन हो चुका है तो काफ़ी जल्दी इसका नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा आपको इसके साथ ही इसमें जो है सिलेबस के रिगार्डिंग और अगर आप इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं स्टडी मटेरियल चाहते हैं और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच से ज्वाइन हो सकते हैं बैच में आपको क्या क्या प्रोवाइड होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नोट्स और क्लासेस भी जो है उत्तराखंड की जीरो से लेके पूरा एडवांस लेवल तक क्लासेस आपको प्रोवाइड होंगी तो उसके लिए आप हमारे बैच से ज्वाइन हो सकते हैं इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और जो कोर्स की फीस रहेगी वो सिर्फ टू डबल नाइन रहेगी ठीक है तो इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट रहता है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं तो ये आज का लेटेस्ट अपडेट है जो कि हमने आपके सामने साझा करा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए काफ़ी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब भी कराया लेकिन जो नए व्यूवर्स हैं चैनल सब्सक्राइब करें और क्वालिफ़िकेशन बात करें तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है अगर आपने डिग्री आपके पास है कोई भी स्ट्रीम की तो आप एलिजिबल हो जाते हैं क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 साल की जो है आपकी एज इसमें मांगी जाती है तो ये जो है अपडेट आपका रहेगा तो इसमें कोई भी चेंजेस वगैरह होते हैं तो वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका आंदोलनकारी हैं उनको जो है आश्रितों को दस प्रतिशत का आरक्षण वगैरह मिल चुका है तो वो ज़्यादा कुछ इम्पेक्ट पड़ा नहीं है सिर्फ नायब तहसीलदार में तीन पोस्टें जो है इनको मिली हैं और उप कारापाल में एक पोस्ट मिली है और इसमें तीन पोस्ट आपको मिली हैं और ज़्यादा इनमें जो है जीरो जीरो रहेगा तो इनमें कोई इनको मतलब आरक्षण नहीं मिला है जो आपका आंदोलनकारी रहेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छी ये पोस्ट रहेंगी टोटल एक सौ सत्रह का जो है भी अध्याचन पहुँचा है मेरे ख्याल से ये एक सौ बीस या फिर डेढ़ सौ तक के करीब भी हो सकता है क्योंकि कुछ अध्याचन बाद में पहुंचते हैं तो उसका अपडेट भी आपको मिल जाएगा तो तैयारी करते रहें कोई भी अपडेट रहता है उसके बारे में हम आपको बता देंगे अगर आप हमारे कोर्स से ज्वाइन होना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए उसमें आपकी रेगुलर क्लासेस भी आपको प्रोवाइड होंगी उत्तराखंड के रिगार्डिंग किस तरीके से आपको प्रपरेशन करनी है प्रिलिम्स की मेन्स की और कोई भी अपडेट रहता है उसके बारे में सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मेंशन में मिलेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय और साथ में इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी तो वहाँ भी आप लोग जो है ज्वाइन जो हमसे हो सकते हैं कि क्या क्या इसमें रहेगा और काफी लोग कहेंगे ये फेक न्यूज है मैं मानता हूँ आप लोग कहेंगे तो उसका प्रूफ भी मैं आपको दिखा दूँ तो काफ़ी लोगों को डाउट होगा कि ये ऑफिशियल अपडेट है या नहीं है तो आप लोग फेसबुक में उत्तराखंड डीपीआर सर्च करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट जिसमें कि उत्तराखंड जो आपका सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा अध्याचन जो है पहुंच चुका है जिसके संबंध में आपको ये जो मैंने पीडीएफ आपके सामने डिस्कस करी वो सारी चीज़ें रहेंगी ठीक है तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये पी भी दिख जाएगी मतलब जो भी जानकारी मैंने आपको दी है वो हंड्रेड एंड टेन परसेंट ऑफिशियल अपडेट आपको प्रोवाइड कराने की पूरी पूरी कोशिश करी है ठीक है तो ये उत्तराखंड डीपीआर की वेबसाइट रहेगी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन उत्तराखंड तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय